डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक पैरासाइट्स। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार जो है एग्जाम में या प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर भी इनको क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स की। मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स को हम हिंदी में एक पोषकीय परजीवी के नाम से भी जानते हैं। मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स या एक पोषकीय परजीवी ऐसे परजीवी होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो है केवल एक पोषक में ही पूरा हो जाता है या सिंगल होस्ट में पूरा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परजीवियों को अपना जीवन जो है स्पेंड करने के लिए किसी एक पोषक की आवश्यकता होती है जिसमें वो उनसे भोजन और आश्रय प्राप्त करता है। तो हर परजीवी को एक जो है होस्ट की आवश्यकता होती है। जब परजीवी को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिंगल होस्ट की आवश्यकता होती है तो ऐसे जो पैरासाइट्स या परजीवी होते हैं उनको हम जो है मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स कहते हैं। देखिए, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो देखिए सबसे पहले एंट अमीबा जो है आता है। एंट अमीबा जो हिस्टोलिट का इसकी जो स्पेसीज है यह जो है मोनोजेनेटिक पैरासाइट है और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो सिंगल होस्ट में पूरी हो जाती है और इसका जो होस्ट है वो मेन होता है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो आइमेरिया है। आइमेरिया भी एक जो है प्रोटोजोन होता है जिसकी जो है लाइफ साइकिल जो है सिंगल होस्ट में पूरी होती है और इसका जो सिंगल होस्ट है वो फाउल होता है। तीसरा जो इसमें एग्जाम्पल है वो मोनोसिस्टिस है। मोनोसिस्टिस इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी सिंगल होस्ट में पूरी होती है और इसका जो होस्ट है वो अर्थवर्म होता है। चौथा जो एग्जाम्पल है वो ट्राइकोमोनास है जो कि एक प्रोटोजोन है। देखिए ट्राइकोमोनास और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो जो ह्यूमन जो फीमेल्स होती हैं उनमें पूरी होती है। ह्यूमन फीमेल इसकी जो स्पेसीज है ट्राइकोमोनास की वो है वेजिनेलिस। जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनकी जो वेजाइना में ये जो है एज ए पैरासाइट जो है रहता है। इसके अलावा देखिए जो एक और एग्जाम्पल है मोनो जो जेनेटिक पैरासाइट है वो है ओपेलाइना। ओपेलाइना का जो सिंगल होस्ट होता है वो जनरली जो है फ्रॉग होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है मोनोजेनेटिक पैरासाइट का जिसको हम एस्केरिस के नाम से जानते हैं। एस्केरिस लुम्ब्री क्वाइडिस यह नेमेटोडा संघ का प्राणी है और इसका जो सिंगल जो होस्ट होता है वो मैन है। तो देखिए इतने सारे मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं आपको। यहाँ पर 6 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जिसमें देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिट का, आइमेरिया, मोनोसिस्टिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ओपेलाइना एंड एस्केरिस। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जीवन चक्र जो है, ये सभी तो पैरासाइट तो है ही है और इनका जो जीवन चक्र है वो सिंगल होस्ट में पूरा हो जाता है। ये देख रहे हैं आप 1 से लेकर 5 तक जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी प्रोटोजोन पैरासाइट है और जो कोई एस्केरिस जो है वो नेमेटोड पैरासाइट है। जनरली जितने भी जो पैरासाइट्स होते हैं वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ही आ जाते हैं। अब मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स के बाद हम बात करेंगे डाइजेनेटिक पैरासाइट की। जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है डाइजेनेटिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र जो है 2 पोषकों में पूरा होता है। ऐसे पैरासाइट्स को हम द्विपोषकीय या डाइजेनेटिक पैरासाइट के नाम से जानते हैं।
दीपोस की है। इसमें एक प्राइमरी होस्ट होता है जिसको हम प्रिंसिपल होस्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो इसमें होस्ट होता है उसको हम सेकेंडरी होस्ट या इसको हम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं या इसको हम इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जो द्विपोषकीय परजीवी होते हैं उनका जीवन चक्र दो पोषकों में पूरा होता है। पहला जो पोषक है उसे प्राइमरी होस्ट और दूसरा जो पोषक है उसे सेकेंडरी होस्ट या इसको वेक्टर या इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे परजीवी का कुछ जीवन चक्र जो है प्राइमरी होस्ट में और शेष जो जीवन चक्र है वो सेकेंडरी होस्ट में पूरा होता है। आइए इनकी एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। जो सेकेंडरी जो मोनो डाइजेनेटिक पैरासाइट के जो एग्जाम्पल हैं उसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। इसका जो देखिए प्राइमरी जो होस्ट है वो कौन होता है, मॉस्किटो, और सेकेंडरी जो इसका होस्ट है वो मैन होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है डाइजेनेटिक पैरासाइट का वो है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है और जो सेकेंडरी होस्ट है वो एक सीसी फ्लाई मक्खी होती है, सीसी फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है ग्लोसीना पैलपैलिस होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से एक रोग होता है जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो इसका डाइजेनेटिक पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है वो है लेस्मानिया डोनो वानी। इसका जो देखिए प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है और जो सेकेंडरी जो इसका होस्ट है वो एक मक्खी होती है जिसको हम सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं, और इस सैंड फ्लाई का नाम जो है फिली बोटोमस। इसका जो सैंड फ्लाई का जो वैज्ञानिक नाम है वो फिली बोटेमस होता है, और लेस्मानिया डोनोवानी से एक जो है रोग होता है जिसका नाम है काला अजार, जिसको हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। डाइजेनेटिक पैरासाइट्स के और भी एग्जाम्पल हैं जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन है और जो सेकेंडरी जो होस्ट है वो इसका पिग होता है। अगला एग्जाम्पल जो डाइजेनेटिक पैरासाइट का है वो है टीनिया सेजिनेटा। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो काव होती है। जनरली जो कैटल्स होते हैं वो इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। इसके अलावा जो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट के उसमें देखिए सबसे जो एक और बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बूचेरेरिया बैंक्रॉप्टाई। बूचेरिया बैंक्रॉप्टाई इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है और जो सेकेंडरी जो होस्ट होता है वो क्यूलेक्स या एडी जो मच्छर होते हैं वो इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं, और बूचेरिया बैंक्रॉप्टाई से जो एक रोग होता है उसका नाम है एलिफेंटियासिस।
एलिफेंटियासिस, या इसको हम फाइलेरियासिस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स और डाइजेनेटिक पैरासाइट्स के एग्जाम्पल दिए हैं। डाइजेनेटिक पैरासाइट में देखिए प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो है एक प्रोटोजोन होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ये भी एक प्रोटोजोन है, लेस्मानिया डोनोवानी ये भी एक प्रोटोजोन है, टीनिया सोलियम जो है वो फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस में आता है, इसी प्रकार से टीनिया सेजिनेटा भी फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस का मेंबर है, और बुचेरिया बैंक्रोप्टाई जो है फाइलम नेमेटोडा का मेंबर है। तो जनरली जितने भी पैरासाइट, मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के जो फाइलम होते हैं उन्हीं में इनको रखा गया है, उन्हीं में ये आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा और आप इससे काफ़ी, आपको स्टडी में इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।